मूवी की शुरुआत में हम शहर के अंदर एक मेंटल हॉस्पिटल को देखते हैं, जहां पर पत्रकार मीना डॉक्टर विल के पास आती है। डॉक्टर विल उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा बॉस का फोन आया था कि तुम एक आर्टिकल लिखना चाहती हो। आज मैं तुम्हें ऐसे 5 सीरियल किलर दिखाऊंगा जिसे खून के अंदर नहाने की आदत है। वैसे मेरा बस चले तो मैं अभी इसे मार दूं, लेकिन कानून के कारण मैं इसे मार नहीं सकता। इस जगह को हम सुरक्षित मानते हैं, यहाँ से कोई भी पागल भाग नहीं सकता, इसलिए हमें ज्यादा गार्ड्स की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद वो कहता है कि इसका नाम जैक है, इसे तुम आदमखोर भी कह सकते हो। ये एक मशहूर शख्स था जो कि वह अपने ही ग्राहकों को मारकर वह दूसरे ग्राहकों को खिलाता था। एक बार एक लड़की को काटने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तब भी लड़की ने आजाद होकर वह चाकू से उसके आंख के ऊपर उसने हमला कर दिया। उस दिन के बाद और भी ज्यादा ये बेरहम हो गया। और अब यहाँ पर वह विल व दूसरे सीरियल किलर को वह दिखाता है और वह उसे कहता है, ये हीरो जैसा दिखने वाला ये सैम है, ये एक डेंटिस्ट था और इसने भी कई बेवजह लोगों को मार डाला था। इसके बाद वह तीसरे किलर के बारे में वो बताता है, इसका नाम हैरिस है और वह लोगों को मारकर उसे डिस्प्ले करता था। वैसे तो ये खुद को कलाकार समझता है। इसके बाद वह चौथे किलर के बारे में वह कहता है कि यह है ताकत का पहाड़, जिसके ऊपर काबू पाना बहुत ही मुश्किल है, और इसका नाम रुको है, और यह अपनी ताकत से किसी को मार नहीं देता था तब तक इसे चैन नहीं मिलता था। और अब इसके बाद आखिरी किलर की बारी आती है, जहां पर वह विल उसे कहता है कि इससे मिलो, यह है मैनी, यह सबसे खतरनाक सीरियल किलर है और यह भाषण देने में बहुत ही माहिर था। ये लोगों को भाषण देकर उसे आत्महत्या करने के लिए उसे प्रेरित करता था। इसके बाद ऑफिस के अंदर वह विल उसे कहता है, पुलिस ने मेहनत से इन सभी को पकड़ा है, लेकिन ये सब पागल है, यहाँ पर कानून के कारण यहाँ पर बंद है। ये सुनकर वह मीना उसके पास आती है और वह उसे कहती है कि आप काफी थक चुके हैं, लेकिन तब भी वह एक ही झटके में उसे मार देती है। फिर वह दरवाजे के पीछे जाकर वह चिल्लाती है कि कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। तब भी अंदर एक गार्ड आता है जो कि वह मीना उसे आराम से मार देती है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि मीना भी बेरहम होगी। शायद डॉक्टर विल को ये पता होता तो उसे देखते ही उसे पकड़ लेता। और यहाँ पर मीना भी वह पागल किलर थी जो कि वह मैनी की बेटी थी। दोनों बाप बेटी मिलकर बहुत ही खुश होते हैं। कुछ ही देर बाद वह मीना यानी कि डॉल होती है, वह कहती है कि मैंने आप सभी के लिए हेलोवीन की तैयारी कर रखी है। अंदर जैक वह अपने आदमी से कहता है, इस डरावने शो में मैंने कई पैसा लगाया है ताकि हर चीज असली दिखे। मुझे पूरा यकीन है यहाँ पर लोग आकर वह डरेंगे। चलो बाकी चीजें देखते हैं, यहाँ पर कुछ ही देर में लोगों का आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद वह दोनों बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ वह सैम अपनी जगह पे आ जाता है जहाँ पर एक पुतला तैयार पड़ा था। जेफ भी उसकी जगह पे आता है, लेकिन उसे यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। खैर उसको जगह तो अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ पर जो यार होते हैं उसे वह पसंद नहीं होते। और अब कुछ ही देर बाद वह सैम व विक्टिम का इंतजाम कर लेता है। खैर इसने भी सैम की तरह काम करने वाले व्यक्ति को यहाँ पर पकड़ लिया था, जबकि यहाँ पर ताकतवर लोगों ने भी एक जोकर को अभी अभी पकड़ा था। उसी वक्त जैक होता है, वह अपने ऑफिस में आता है और वह कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम हो कौन। वो कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त का बाप हूँ जिसके कहने पर यह शो बनाया है, वो चाहती है कि यहाँ पर खूब खेले। ये सुनकर वह जैक वह पूरी तरीके से वह डर जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे से रुको आ जाता है और वह उसे बुरी तरीके से उसे मार देता है। कुछ ही देर बाद यहाँ पर लोगों का आना शुरू हो जाता है और यहाँ पर जैफ होता है वह टिकट काउंटर पर होता है। और यहाँ पर किसी को नहीं पता था कि यहाँ पर सीरियल किलर घूम रहे हैं जिन्हें लोगों को मारने की आदत थी। और अब शहर के अंदर कुछ दोस्त होते हैं, उसे हेलोवीन मनाने के लिए वह तैयार होते हैं और उनकी गाड़ी मिमो चलाने वाला था। और अब कुछ ही देर बाद वह डरावने शो को देखने के लिए सभी के सभी वह लाइन में लग जाते हैं, लेकिन मिमो कहता है कि यह सब मुझे पसंद नहीं। इसके बाद वह सभी दोस्त होते हैं वह मिमो के बिना ही वह शो के अंदर आ जाते हैं। उसी वक्त पुलिस स्टेशन के अंदर मैक्स होता है, उसको कॉल आता है, उसे बताया जाता है कि कुछ दोस्तों को शो के अंदर मार डाला। लेकिन मैक्स को लग रहा था कि हेलोवीन के कारण कोई उसे डरा रहा है। और अब उधर मिमो के जितने भी साथी होते हैं वह आगे बढ़ रहे होते हैं और सबसे आकर पीटर और मीना थे,
लेकिन तब भी उसके सामने सैम आ जाता है। उसे देखकर वह सभी के सभी डर जाते हैं। सैम का काम देखकर वह टोनी बहुत ही खुश होता है। और अब हैरिस का जो डिस्प्ले होता है वह सभी देख रहे थे, और सबसे आगे बिनी थी। पीटर और मीना भी लाशें को देखकर वह हैरान होते हैं। और अब सभी के सामने तुरंत एक खिड़की आ जाती है, जो कि वहां पर एक डॉल होती है, एक का गला काट देती है। और यहाँ पर पॉप कहता है कि ये तो असली है और शो वालों ने ये तो शानदार काम किया है। और अब सभी के सभी वह आगे बढ़ते हैं और वह घर से बाहर आ जाते हैं जहाँ पर शो चल रहा था। और यहाँ पर रुको होता है, वह बाहर जाने का जो दरवाजा होता है उसे वह लॉक कर देता है ताकि कोई भी बाहर ना निकल सके। और अब दूसरी तरफ वह बिनी होती है, वह वॉशरूम के अंदर होती है, लेकिन तब भी उसके बाजू में वह डॉल आ जाती है जिसे देखकर वह डर जाती है। और यहाँ से वो जाने ही वाली थी कि तब भी वह डॉल होती है, वह उसके चेहरे के ऊपर वह हमला कर देती है और उससे दीवार के ऊपर उसे चिपका के उसे मार देती है। और अब कुछ ही देर बाद वह बिनी के जितने भी दोस्त होते हैं वह उसे ढूंढ रहे थे। और यहाँ पर शो के अंदर उसकी लाश को देखकर वह डर जाते हैं। और यहाँ पर सभी समझ जाते हैं कि यहाँ पर शो के अंदर कोई कलाकार नहीं बल्कि ये तो असली विक्टिम थे। लेकिन तब भी यहाँ पर डॉल आ जाती है जिसे देखकर वह तीनों दोस्तों वहाँ से भागने लगते हैं। और यहाँ पर वह सभी निकलना चाहते थे लेकिन यहाँ पर बाहर जाने का जो रास्ता था वो बंद होता है। लेकिन तब भी वह पॉप और बैन के पीछे रुको आ जाता है जिसे शो की सच्चाई पता नहीं थी। और वह बैन व शो का कलाकार समझ कर उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तब भी वह रूक को वह जमीन के ऊपर उसे बैन को पटक के उसे मार देता है। और यहाँ पर बैन की मौत को देखकर वह सभी दोस्त होते हैं वह वहाँ से भागने लगते हैं। और अब उधर पुलिस स्टेशन के अंदर वह पुलिस डेबा होती है, वह आकर उसे पूछती है, मैक्स तुमने ऐसे फोन क्यों रखा है। मैक्स कहता है कि कुछ लोग मुझे बार बार मजाक कर रहे थे, और वह सारी बातें उसे बता रहा होता है जिसे सुनकर वह डेब होती है। वह एक बार वह शो के अंदर जाकर उसे देखना चाहती है। और अब दूसरी तरफ वह पॉप होता है, वह भागते भागते वह गिर जाता है जिसके पीछे वह रुको लगा हुआ था। पॉप ने यह कभी नहीं सोचा था कि उसकी मौत एक दर्दनाक होगी। बाकी दोस्त वह पॉप को देखकर वह डर जाते हैं और वह यहाँ से निकलने की पूरी तरीके से वह कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर टोनी के फोन के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा था जिससे पुलिस को बुलाया जा सके। और अब टोनी व रुको का मुकाबला करने लगता है और उसे अकेला देखकर वह मीना भी उसका साथ देती है, लेकिन रुको तो ताकतवर पहाड़ था इसलिए वह टोनी को भी मार देता है। टोनी के मरने के बाद वह पीटर व बाहर भागने लगता है जहाँ पर उसके सामने वह मैक्स और वह डेब थे, जो कि वह सभी बातें उसे बता देता है। और यहाँ पर पूरी सच्चाई के बाद वह डेब होती है, वह सभी को बचाना चाहती थी और उसे पता था कि जब तक पुलिस आएंगे तब तक वह किलर्स वह सबको मार देंगे, इसलिए वह पीटर को गन देती है और उससे मदद लेना चाहती है। लेकिन तब भी वह मीमो भी आ जाता है जो कि वह अपनी गाड़ी में बैठा था। और अब अंदर वह सेम अपना काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पर वह मीना होती है, वह रुको से बचते बचते वह उसके रूम में आ जाती है और वह सैम को वह रोकने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर वह सैम उसे पकड़ लेता है। लेकिन तब भी वह विक्टिम वह मौका देखकर वह सैम के ऊपर वह वार कर देता है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी उसके ऊपर असर नहीं होता और वह विक्टिम के ऊपर वह हमला कर देता है। और यहाँ पर वह हमला करने ही वाला होता है कि तब भी वह मीना होती है, वह सैम के ऊपर वह हमला कर देती है और वह वहाँ पर ही मर जाता है। और अब उधर बाहर वह मैनी उसे कहता है कि मेरे प्यारे दोस्तों, कि मेरे शो को खास बनाने वाले मेरे दोस्तों का स्वागत किया जाए। इन्होंने कोई भी एक्टिंग नहीं की और उसने असल में काम किया। हमें लोगों को बेवकूफ बनाना नहीं आता, हमें तो लोगों को डराना आता है। और अब हम लोगों को डराएंगे और तुम्हें मारेंगे। इसके बाद वह सभी को वह किलर्स वह मारने लगते हैं, जिसके कारण लोगों के अंदर वह खलबली मच गई थी। और अब दूसरी तरफ वह मैक्स होते हैं, वह बाहर निकलने का वह रास्ता ढूंढ रहे थे और तभी उसके सामने वह हैरिस आ जाता है। मैक्स उसे बिना मौका दिए उसे मार देता है। और अब वह डेबी भी वह मैनी को ढूंढकर उसे मार देती है। और अब वह डॉल भी अपने पिता की मौत को देखकर वह डेब को मारने का वह फैसला लेती है, लेकिन तब भी वह मीना वहां पर आकर उसे रोकती है, जिसके कारण वह डॉल वह गुस्से में आकर वह उसके चेहरे के ऊपर वह वार करती है। और अब डेब भी वह डॉल को पकड़कर उसे चाकू से उसके पेट के ऊपर वह हमला कर देती है,
लेकिन यहाँ पर डॉल ने भी उसको जख्मी कर दिया था, जिसके बाद वह दोनों बेहोश हो जाते हैं। और अब इसी तरह वह मीमो और वह पीटर होते हैं, वह जेब को मार देते हैं। और अब बाहर वह मैक्स के सामने वह रुको खड़ा था और वह उसे मारने ही वाला था कि तभी वह मैक्स की गोली खाकर वह वहां पर ही गिर जाता है। और अब कुछ ही देर बाद सुबह के टाइम पे वह पुलिस होती है वह घर के बाहर पहुंच गई थी। और अब अंदर से वह मैक्स, वह मीना और वह पीटर और वह मीमो निकलते हैं। और यहाँ पर पीटर को लग रहा था कि वह तो बच गया है, लेकिन यहाँ पर पीछे से वह रुको आकर उसे मार देता है। और यहाँ पर वह पुलिस भी उसके ऊपर गोली चलाकर वह रुको को मार देते हैं। और अब बचे हुए लोगों की सहायता की जा रही थी और यहाँ पर मीना की नजर वह चाकू के ऊपर पड़ती है। और अब कहानी के आखिर में वह मीना को मारकर वह डॉल यहाँ से चली जाती है। उसने डेब को पहले ही मार डाला था। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है।